ये नई ट्रेन है जालना तिरुपति स्पेशल एक्सप्रेस, जिसका आज राव साहेब पाटिल दानवे ने महाराष्ट्र के जालना जिले से हरी झंडी दिखाकर आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्टेशन तक रवाना किया। यह जालना से शुरू होने वाली दूसरी नई ट्रेन होगी। दोस्तों, इससे पहले 26 अक्टूबर को, अभी 3 दिन पहले ही, जालना से नई ट्रेन जालना छपरा स्पेशल का शुभारंभ किया जा चुका है, जिसका वीडियो चैनल पर पहले से अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब मैं आपको जालना तिरुपति एक्सप्रेस का परमानेंट शेड्यूल, दोनों स्टेशनों के बीच का किराया, कब से कब तक चलेंगी तिरुपति और जालना से, सप्ताह में कौन से दिन छूटेंगी, क्या यह स्थायी ट्रेन है, जानेंगे सब कुछ। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये परमानेंट ट्रेन है, तो मैं आपको बता दूं, जी नहीं, यह परमानेंट नहीं, एक अस्थायी ट्रेन है और केवल 11 ट्रिप में तिरुपति से जालना के बीच अलग अलग तारीखों में चलेगी। और जिन तारीखों में यह चलेगी वो मैं डिटेल आपको आगे बताता हूँ। 19 डिब्बों की इस ट्रेन में जनरल डिब्बे भी अटैच किए गए हैं, जिनमें मुसाफिर जनरल टिकट लेकर बैठ पाएंगे और यह 1 नवंबर से वास्तविक तरीके से रन करेगी। ट्रेन नंबर 07413 तिरुपति जालना स्पेशल एक्सप्रेस 1, 8, 15, 22 और 29 नवंबर को प्रत्येक मंगलवार को शाम 6:30 बजे तिरुपति स्टेशन से प्रस्थान करेगी और रैनीगुंटा जंक्शन, गुंडकाल जंक्शन, रायचूर, लातूर, परभणी जंक्शन होकर अगले दिन शाम 6 बजे जालना पहुंचेगी। वापसी में 07414 जालना तिरुपति स्पेशल एक्सप्रेस जालना से 6, 13, 20, 27 नवंबर और 4 दिसंबर को प्रत्येक रविवार को सुबह 11:50 पर रवाना होकर बीच के 22 स्टेशनों पर रुकते हुए सोमवार के दिन सुबह 9:05 पर तिरुपति पहुंचकर अपनी 1062 किलोमीटर की यात्रा समाप्त करेगी। यह ट्रेन डीजल लोकोमोटिव से चलेगी। तिरुपति जालना एक्सप्रेस की खास बात यह है कि इस ट्रेन में सबसे ज़्यादा 3rd क्लास एसी के बोगी अटैच किए गए हैं, जिनकी संख्या 10 है, जिनका दोनों स्टेशनों के बीच का फेयर ब्रीफ ये रहा आपके सामने। इसका विस्तार शेड्यूल जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या ट्रेन नंबर से NTES पर जाकर चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और रेलवे से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।